हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोफिया अंसारी, मेरे थोड़े हैं भाड़ी और मैं अब आ चुकी हूँ लोड़ा कॉलोनी। लोड़ा कॉलोनी में मेरे साथ हैं मौजूद परवीन बाजी। तो परवीन बाजी, मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या नाम है। परवीन। तो परवीन बाजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जोकर ने किसी के लिए या फिर अफवाहें फैल रही हैं? मेरे आदमी के लिए एक तो, और दो पल्ली पट्टी में मेरी सहेली है उनके आदमियों के लिए। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिला है आपको? ना कुछ भी ना मिला, देख लो हमारा घर ऐसी खाली पड़ा सारा। नहीं, आप ये बात झूठ बोल रही हो, सरकार तो कह रही है कि 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। अच्छा, वो 10 लाख रुपए वो तो हैंगे मेरे पास। कहाँ है? देखो देखो, 5 लाख ये रखे हैं, 5 लाख ये हैंगे। तुम्हें पता ही ना सरकारी काम होगा, लगे तो पड़े हमारे आदमी, लेकिन सरकारी काम और आदमी के हाथ लटके रहते हैं। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। तो बाजी, सरकार से आपको कुछ कहना है? देखो, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, अगर जोकर है या तो उसको पकड़ो, अन्य तो मुझे ऐसा लगे तो इलेक्शन की चाल है, कोई जोकर पोकर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जोकर है, जोकर देखा गया कई बार वीडियोस में। अगर जोकर देखा गया है तो नेताओं की क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं, नेता लोग तो क्वारंटाइन रहते हैं ना। चलो, मैंने माना क्वारंटाइन रहते हैं, परसों रिजवान प्रधान की रैली निकली थी, 100 आदमी थे रैली में, तब क्या जोकर मुट्ठी मार के सो गया था? कहाँ था तब वो? हमसे तो कह दिया क्वारंटाइन रहो, अपने पिछवाड़ों में ताले लगा लो। तो बाजी, जो बात भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि बाजी की बातों पर अमल किया जाए। अब वक्त हो चुका है चुदाई का, मतलब विदाई का, तो ऐसे ही मिलेंगे आपको हम खास खबरों के साथ।